आप सभी को मेरा नमस्कार। उस बदतमीज़ का वीडियो भी आया और मैंने सुना भी, वह जिस तरह की बातें कर रहा था, क्योंकि मैं उस पर अधिक टिप्पणी करना नहीं चाहता और मैं उसको नोटिस भी नहीं करता, क्योंकि वह बदतमीज़ है और बदतमीज़ रहेगा। और मैंने यह पहल जो मैंने लेटर वायरल किया है उसको मैंने मेल कर दिया था 18 को ही, और इसकी जानकारी मैंने आज आप सभी को दी। और उस 10 सदस्य टीम जो रहेगी, शिष्टमंडल जो हमारा रहेगा और जो समय मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का, तो उसमें ये तो बिल्कुल नहीं जाएगा, और ये ना कभी प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक था और ना है, क्योंकि ये बदतमीज़ है, या किसी पर भी कुछ बोल सकता है, किसी को भी गाली दे सकता है। और कोई अगर आपके हित में काम कर रहा है और अगर चाह रहा है कि यह काम किसी तरह निकल जाए, तो यह आज तक जिसने भी इस तरह की पहल की सबका विरोध किया। ये इसकी बपौती नहीं है सांख्यिकी कर्मी से, और इसकी स्थिति 2015 में थी, जिसको मैंने लेटर लिखा है उसके बारे में यह जानता है। और 2015 में, 14 में, 16 में जो इसकी स्थिति थी, हम लोग झंडा बैनर के आगे रहते थे, आप लोगों ने फ़ोटो भी देखा होगा, इसने कहा कि फ़ोटो पेस्ट करके डालता है, मैंने ओरिजिनल फ़ोटो भी डाला, आप लोग देखिए कि वह फ़ोटो पेस्ट वाला किया हुआ है या ओरिजिनल है, इस चुतिया को समझाइए आप लोग। और इसकी जो नौटंकी है 4-5 सालों से चल रही है, उसको बंद करवाइए। और अब चूँकि करने का समय है, और समय जो है 26 या 27 को आपको मिलना तय है, और उसमें वही 10 लोग जाएंगे जिसको मैं चुनाव करूंगा, और ये तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। और 26-27 तक एकदम बिल्कुल समय आप लोगों को मिल जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। आप लोगों से जो सहायता मांगी गई थी वह उसमें आप लोग पीछे नहीं हटे, क्योंकि वह 10 लोग पटना में रहेंगे। सभी को पुनः एक बार धन्यवाद, और इस बदतमीज़ को आप लोग सबक सिखाने का प्रयास करें, क्योंकि यह जिला जिला, प्रखंड प्रखंड जाके पैसा वसूली कर रहा है, और इसके तरफ से आज तक कुछ नहीं किया गया। मैं जानता हूँ कि आज तक किनके पहल से और किनका योगदान रहा, इसका तो बिल्कुल ही नहीं रहा। ये तो बदतमीज़ था, चूतिया है, अभी भी है। धन्यवाद।